तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे देश में बेरोज़गार लोगों के समस्याओं पे, बेरोज़गार जैसे कि बिजनेस के बारे में या बेरोज़गारी के बारे में जो हमारे देश के लोग हैं, तो लवकुश भैया से हम बात करेंगे। जी हाँ, नमस्कार। सो थैंक यू सो मच, आपने हमें इनवाइट किया इस चैनल पर। सो बेसिकली क्या है कि आजकल हमारे देश की आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है, उस तरीके से जो नौकरियां हैं वो तो क्रिएट हो नहीं पा रही है, तो ये एक समस्या है। इस समस्या को समाधान के लिए सरकारें काम कर रही हैं जो जितना हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सरकार के लिए जो काम नहीं कर रही है, लेकिन हमें अपने आप को भी सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से अपने आप को इक्विप कर सकें। ऐसा नहीं है, टुडेज वर्ल्ड इज़ वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। लाइक आप समझ सकते हैं कि पहले का ये ज़माना नहीं रहा कि जहाँ लोग फावड़ा कुदाल लेकर के चलते थे, काम करते थे, बहुत सारा मेहनत जो मजदूरी वाला वर्क था। तो आजकल का ज़माना क्या है, टेक्नोलॉजी का। तो आप अपने आप को इस तरीके से एडवांस करिए, इस तरीके से अपने आप को स्किल्स सीखिए जो फ्यूचर में आपको काम आ सके। ऐसा नहीं है कि आप बस कुछ भी कर रहे हैं और उसमें कोई चीज़ सीखने की नहीं है। अगर आप सही से कोई चीज़ को सीख नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप फ्यूचर में वही है कि आपके पास कोई स्कोप नहीं होने वाला है। तो जिस भी कोर्स में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो वहाँ पर अपने आप को सोचते रहिए कि मैं किस तरीके से कहाँ पर एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। एक्सप्लोर इन द सेंस कि अगर आप सपोज आपने कोई कोर्स ले रखा है, जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो अब ये आप सोचते हो कि मैं 4 साल बाद ये कहीं जॉब करूँगा, है कि नहीं ये। लेकिन आपने ये 4 साल आपने क्या किया थे, क्योंकि वो तो आपको जॉब तो दे ही देगा मान लेते हैं, लेकिन आपने एक्सप्लोर किन चीज़ों में किया। क्या आपने कभी फोटोग्राफी किया, ये भी एक नया फैशन है, करोड़ों लोग इसमें कमा रहे हैं। क्या आपने यूट्यूब का भी एक सेक्शन है जिसमें आप यूट्यूब भी अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं, क्या आपने वो चीज़ें एक्सप्लोर किया। और भी तमाम तरीके हैं कि अपने आप को स्किल्स सिखा सकते हैं, कम्युनिकेट कैसे करना होता है लोगों से, कैसे बिता कि आप एक उस तरीके से एक एसेट बनिए। ऐसा नहीं है कि एक बोझ की तरह रहिए कि लोग आपको ये बोझ समझे और फिर बाद में आपको कम कमाने के बाद। तो जब तक आप अपने आप को सेल्फ इक्विप नहीं करते अपने आप को, तो ये तो प्रॉब्लम होगी ही, क्योंकि नौकरियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं है, लेकिन वो स्किल्स नहीं है लोगों के अंदर तो फिर, क्योंकि अभी जो टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है उसमें बहुत ही ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत है। उसमें ऐसे लोग जो जिसके पास बहुत कम स्किल्स है, वो नॉर्मल लोगों की ज़रूरत नहीं है। ये एक तरीका है, बाकी और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आप बिजनेस के बारे में अगर बात करें, तो अगर आप सपोज कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें आप ये सोचिए मैं इसको बड़ा कैसे कर सकता हूँ। उसमें आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप सोच नहीं रहे हैं, बस केवल आपको 10-15-20 हज़ार जितना भी स्टार्टिंग में आपको मिल रहा है, अगर आप उसी भरोसे जी रहे हैं, तो ये फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे आगे इससे 10 से मैं 15, 15 से 20, 20 से 50 किस तरीके से ग्रो किया जाए, अपने आप को इन्वेस्ट कैसे करें ताकि इतना लंबा वो कर सकें। ये चीज़ें हैं जो आपको सही सोचना पड़ेगा। ऐसा